क्या आपने कभी सोचा है कि गुची के प्रोडक्ट्स इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं और वो अपने प्रोडक्ट्स कैसे इतने ज़्यादा महंगे में बेच देते हैं और लोग खरीद भी लेते हैं? और ऐसा होता क्या है इन प्रोडक्ट्स में जो ये नॉर्मल सी सैंडल 74,000 की बेचते हैं, जितने में लगभग एक स्टैंडर्ड इंडियन सिटीजन की हाफ ईयरली इनकम हो जाती है? अगले 3 मिनट में मैं आपको गुची की सक्सेस स्टोरीज और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि वो कैसे अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मार्केट करते हैं और सेल करते हैं। और हाँ, नेक्स्ट वीक से फोर्ब्स के टॉप 20 बिलियनर्स की सक्सेस स्टोरीज आने वाली है कि कैसे वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बने। तो अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर अपडेट्स मिस ना हो। गुची जो आज लग्जरियस ब्रांड्स की लिस्ट में नंबर 1 पर आती है, उसकी शुरुआत भी जीरो से ही हुई थी और आज गुची एक $12 बिलियन की फैशन ब्रांड है। गुची इनका जन्म 1881 में इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ। वो एक लेदर क्राफ्ट्समैन के बेटे थे जिनका काम बेहद ही छोटे लेवल का था, लेकिन गुची वो काम करना नहीं चाहते थे, इसलिए 1898 में वो फ्लोरेंस छोड़ के लंदन चले गए और वहाँ सेवई होटल के लिफ्टमैन की नौकरी करी। वहाँ उनकी बड़ी हस्तियों से मुलाकात भी हुई और उनके एलिगेंटली डिजाइन लगेजेस एंड ब्यूटीफुल हैंडबैग्स देखकर उन्हें काफ़ी इंस्पिरेशन मिली। लंदन से वापस इटली आने के बाद उन्होंने अपने फादर का काम ज्वाइन किया और उन्हीं से लेदर क्राफ्ट्समैन का काम भी सीखा। शुरुआत में गुची और सैडल्स एंड सैडल बैग्स बनाने लगे क्योंकि उस जमाने में लोग घोड़ों पे ज़्यादा घूमा करते थे। फिर गुचियों की शादी हुई, 3 बच्चे हुए और उनको भी उसी काम में इन्वॉल्व किया और उन्हें भी लेदर क्राफ्टमैन सिखाई और फिर वहाँ से उन्होंने शुरुआत की लंदन से इंस्पायर्ड हुए एलिगेंटली डिजाइन बैग्स एंड लगेजेस बनाने की। उन्होंने शुरुआत से ही हैंडमेड स्टफ विद क्वालिटी एंड फिनिशिंग पर ध्यान रखा, तो गुची ने अपने काम में काफ़ी बदलाव किए और जल्द ही अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के चलते काफ़ी पॉपुलर हुए और 1921 में पहला गुची स्टोर खोला और 1920s में गुची काफ़ी पॉपुलर होने लगा। लेकिन सिर्फ एक चीज़ से ही आप लोगों पर अपनी पकड़ नहीं बना सकते और इसलिए फिर 1930s में जब हॉर्स रेसिंग का दौर चला तब गुची ने हैंडवेयर्स बनवाए, लोफर्स बनवाए, बेल्ट्स और भी कई चीज़ें इंप्लीमेंट की। गुची ने 1994 में टॉम फोर्ड जो कि एक अमेरिकन फैशन डिजाइनर हैं, इन्हें क्रिएटिव डायरेक्टर बना दिया, जिनके विजन्स और डायरेक्शन से इनकी सेल 90% बढ़ गई और 1999 में गुची ने और लग्जरियस ब्रांड के साथ अलायंस करके मल्टी लग्जरियस ब्रांड बना दिया और साथ ही साथ इन्होंने इन कंपनीज के शेयर्स ले लिए जैसे येसेंट लॉरेंट, बॉटेगा वेनेटा, बैलेंसियागा और भी बहुत सारे, और इनके हैंडबैग्स को इस तरह डिज़ाइन किया कि आप आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी पास कर सको। और यही सारे कारण है कि बहुत सारे लोग गुची के हैंडमेड बैग्स खरीदना पसंद करते हैं। और 2016 में उनका रेवेन्यू $4.3 बिलियन था और उनका इस साल का अनुमान है कि ये कंपनी $14 बिलियन की होने वाली है। गुची के आज 278 बुटीक स्टोर्स हैं वर्ल्ड के टॉप सिटीज़ में। जीजी लोगों का मतलब है गुची और गुची जो कि उनके फाउंडर का नाम है। प्राडा एंड अरमानी की जो नेटवर्थ है वो आज ऑलमोस्ट आधी भी नहीं है गुची से, और गुची ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है फेरारी से भी। हेनरी पेनोल्ट जो कि सीईओ हैं गुची के, वो रिचेस्ट पर्सन है इटली के। गुची का एक सिंगल डबल जी लोगो बेल्ट भी आपको मिनिमम 26,000 का मिलेगा और आपको हैंडबैग्स खरीदना है तो ये क्रोकोडाइल हैंडमेड लेदर बैग आपको 21 लाख में मिलेगा और इसी में आपको बैम्बू हैंडल वाला क्रोकोडाइल बैग चाहिए तो आपको पड़ेगा 23 लाख। 5 स्ट्रेटजीज जिसने गुची को एक लग्जरियस ब्रांड बना दिया। पहला है क्वालिटी। गुची का कहना है कि वो अपने कपड़ों पे दुनिया का सबसे बेस्ट फैब्रिक मटेरियल यूज़ करते हैं जिसको इंपोर्ट करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है और इनके शूज़ और पर्स पे दुनिया का फाइनेस्ट लेदर यूज़ किया जाता है और इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपर्ट से हैंड स्टिच कराते हैं जिससे एकदम परफेक्ट साइज आता है, जैसे कि एक परफेक्ट प्रोडक्ट तैयार होता है। एंड दैट्स द रीज़न अगर आप इनके प्रोडक्ट्स पे इतना स्पेंड कर रहे हैं तो ये बहुत समय तक चलते हैं। सेकंड है मार्केटिंग एक्सपेंसेस। मतलब एक बार जब ये प्रोडक्ट्स बन जाते हैं तो गुची मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस उठाते हैं और ये कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए करना भी पड़ता है। ये बड़े सेलिब्रिटीज़ को हायर करते हैं इनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, जिसे आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोल सकते हो, और एंडोर्समेंट्स के लिए भी काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। साथ में प्री फैशन शोज ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोडक्ट्स के रिलीज से पहले हर साल, जिसमें हर साल गुची अपने आने वाले प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है। और यही नहीं, साथ में गुची हायर करता है बेस्ट क्रिएटिव माइंड्स इस इंडस्ट्री के, और ये लोग टारगेट करते हैं उस 1% लोगों को जो काफ़ी रिच हैं, जो पोलो खेलते हैं, विंटेज कार्स लेना पसंद करते हैं, म्यूजियम से महंगी चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं। ये कस्टमर्स को एक इल्यूजन में डालते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स बिक गए, जो कि सिर्फ एक इल्यूजन है। इनके प्रोडक्ट्स जो हर साल बच जाते हैं ये उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जला देते हैं, जिससे स्कैर्सिटी हमेशा बनी रहती है। जैसे $20 मिलियन के मर्चेंडाइज इन्होंने लास्ट ईयर जला दिए थे। थर्ड है एक्सक्लूसिविटी। गुची अपने प्रोडक्ट्स को काफ़ी एक्सक्लूसिव रखता है, सिंपली बोलूँ तो काफ़ी कम क्वांटिटी में बनाता है जो कि कस्टमर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करता है, जिससे कस्टमर खींचा चला आता है। सिंपली मैथ समझाऊँ तो 5,000 प्रोडक्ट प्राइस, इन्होंने 100 प्रोडक्ट सेल करे तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ 5 लाख का, और दूसरी जगह 20,000 रुपये प्रोडक्ट प्राइस,
इन्होंने 25 प्रोडक्ट सेल करे तो भी कंपनी को 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब सेकंड कंडीशन में प्रॉफिट ज्यादा है क्योंकि प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत ज्यादा बच जाती है। फोर्थ सबसे बड़ा रीजन है सिंबल ऑफ हाई स्टेटस, मतलब अमीर लोगों को चाहिए गाड़ी में रोल्स रॉयस, फोन में आईफोन, घड़ी में रोलेक्स और कपड़ों में गुची के कपड़े। वो ये नहीं देखते कि कलर कौन सा है, प्राइस कितना है, उनको सिर्फ और सिर्फ चाहिए हाई स्टेटस सिंबल, शो ऑफ, जो कि वो दिखा के कर सकते हैं। फिफ्थ है कस्टमर बिहेवियर्स। रिसेंटली जब मैं मुंबई में मरीन लाइंस पे गया तो मैंने पहला गुची का स्टोर देखा ट्राइडेंट होटल में। तब मैंने रियलाइज करा कि जो बंदा 20-25 हज़ार का एक होटल का रूम पे स्पेंड कर सकता है वो डेफिनेटली गुची के प्रोडक्ट्स खरीद सकता है। तो इन्हें इनके कस्टमर का बिहेवियर पता है, वो कहाँ जाता है, कहाँ खाता है, जिससे वो खुद की ब्रांड उस जगह पोजिशन करते हैं। यही गुची की 5 स्ट्रेटेजीज। और हाँ, मेरी नेक्स्ट स्टोरी आ रही है मुकेश अंबानी पे, जिन्होंने 10 साल पहले जियो एस्टेब्लिश किया था, जिसके कारण वो आज दुनिया के 5th richest person बन गए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से गुची के प्रोडक्ट्स लेना वर्थ है या नहीं। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, सी यू नेक्स्ट वीक।